केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। संसद के विशेष सत्र का बुधवार 20 सितंबर को तीसरा दिन है। लोकसभा में मध्य आरक्षण बिल शक्ति बंधन पर डिटेन जारी है। सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन को बिल के बारे में बताया। उनके बाद कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी ने 10 मिनट तक अपनी बात कही। चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोत्रा ने मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण देने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महुआ मोत्रा का नाम लिए बगैर कहा, मुस्लिम आरक्षण मांगने वालों को मैं बताना चाहती हूँ कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। जिस प्रकार से विपक्ष भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है उससे ना फंसे। सोनिया बोली, तुरंत अमल में लाएं। सपा एनसीपी की ओबीसी महिलाओं को भी ज्यादा आरक्षण की मांग। सोनिया ने आगे कहा, कांग्रेस की मांग है कि बिल को फौरन अमल में लाया जाए। सरकार को इसे परिसीमन तक नहीं रोकना चाहिए। इससे पहले जातिगत जनगणना कराकर इस बिल में एससी एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। तो वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और एसपी सांसद डिंपल यादव ने भी बिल में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है। सुप्रिया ने कहा कि सरकार बड़ा दिल करके बिल में एससी एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करे। तो वहीं एसपी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बिल में ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।